दोस्तों, एक शहर में एक बहुत ही गरीब मजदूर रहता था, परंतु वो दिल से बहुत अमीर था। उसकी एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जो अपने पिता को बहुत प्यार करती थी, और पिता भी उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, चाहे उसे कितनी भी मेहनत मजदूरी करनी पड़े। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बेटी भी जवान हो चुकी थी। उसकी बेटी का बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, और उसके पिता उसे हौसला देते रहते थे कि तुम बड़ी होकर एक दिन जरूर डॉक्टर बनोगी। बेटी ने 12वीं कक्षा के एग्जाम दे दिए थे। पिता हर रोज की भांति मजदूरी पर गए हुए थे। बेटी का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया और वो पूरे जिले में प्रथम स्थान पर रही। जैसे ही उसके पिता शाम को घर आए तो बेटी ने आते ही अपना रिजल्ट पिता को दिखाया। ये जानकर पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपनी बेटी से बोला, बेटी आज जो तू मांगेगी वो मैं लाके दूंगा, बोल तुम्हें क्या चाहिए। बेटी बोली, पापा मैंने आज बाजार में 2000 रुपये का एक बहुत ही सुंदर सूट देखा था, वो चाहिए। पिता ने अपने सारे पैसे गिने तो 300 रुपये कम निकले, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके बेटी को बिना बताए वो सूट ला दिया। आज वो बाप और बेटी बहुत खुश थे, लेकिन उसकी पत्नी नाराज थी। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने रुपए कहाँ से लाए हो। तो मजदूर ने बताया कि मेरे पास पहले के कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे, थोड़े बहुत कम थे, उतने का मैंने अपना खून निकलवा दिया। कुछ दिनों के बाद बेटी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी हो गया, परंतु उसके लिए उन्हें 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी। अब पिता बहुत परेशान हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने पैसे कहाँ से लाऊं। आखिरकार उसके पिता ने किसी तरह फिर 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने फिर पूछा कि आप इतने सारे रुपए कहाँ से लाए हो, कहाँ से चोरी की है। फिर मजदूर ने बताया कि जिसको मैंने खून दिया था उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे, तो मैंने उसे अपना एक गुर्दा बेच दिया। दिन बीतते गए। बेटी का फाइनल ईयर था मेडिकल कॉलेज में। आज सभी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बनके घर आएगी, लेकिन बेटी की लाश घर पहुंची। बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उसका आशिक जिससे वो प्यार करती थी वो उसे धोखा दे चुका था। ये जानकर पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आपकी नज़र में असल में धोखा किसे मिला, बेटी को या उसके पिता को? दोस्तों, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस इश्क के चक्कर में अपने पहले प्यार यानी कि अपने माता पिता के प्यार को कभी ना भूलें। दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें।